नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल YK ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने संस्मरण पढ़ा था, उसके पहले यात्रा वृत्तांत और एक प्रैक्टिस सेट भी मैंने आपको करवाया था, तो उम्मीद है आपने वीडियो ज़रूर देखे होंगे और प्रैक्टिस सेट ज़रूर देख लेना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं प्रैक्टिस सेट। आगे भी हम इसी तरह के कुछ प्रैक्टिस सेट और करेंगे, तो आप लोग चैनल पर जुड़े रहिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज आगे। आज हम एक नई विधा को पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य की एक नवीनतम, इसे हम विधा कह सकते हैं, तो डायरी विधा हम आज पढ़ेंगे। तो आप लोग बने रहिए, पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, कॉपी पेन ले लीजिए और नोट डाउन करते रहिए। जो भी महत्वपूर्ण डायरियाँ होंगी वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब कोई व्यक्ति तिथियों का उल्लेख करते हुए घटनाओं को उसी क्रम में लिपिबद्ध करता है जिस क्रम से उसके जीवन में घटित हुई हैं, या जिस क्रम से उसने उन्हें अपने जीवन काल में देखा, सुना अथवा सोचा समझा है, तब डायरी विधा का जन्म होता है। यानी कि अब आप में से भी कई लोग डायरी लिखते होंगे या डायरी लेखन में विश्वास करते होंगे, यानी कि बहुत लोग होते हैं जो डायरी लेखन करते हैं। तो इसमें क्या होते हैं कि सत्य पर आधारित जो घटनाएं होती हैं, ऐसा नहीं कि डायरी है तो आप कल्पनाओं का उसमें काल्पनिक जीवन, अपना एक काल्पनिक दुनिया को उसमें लिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं। जो आपके जीवन में वास्तविक घटनाएं होती हैं, जो तथ्यों सत्य घटनाओं पर आधारित होते हैं, तो उनका अगर आप क्रमबद्ध लेखन करते हैं तो उसे हम डायरी कहते हैं। ठीक है, विधा के रूप में डायरी आत्मकथा के एकदम निकट पड़ने वाली साहित्यिक विधा है। तो चाहे मतलब अगर हम देखें तो आत्मकथा भी कुछ इसी से मिलती जुलती एक विधा है। ठीक है, लेकिन आत्मकथा काफ़ी पुरानी विधा है, लेकिन डायरी नवीनतम विधा है। ठीक है, देखिए इसके बाद देखिए, डायरी लेखन लेखक के व्यक्तित्व प्रकाशन का सर्वाधिक प्रामाणिक माध्यम है, क्योंकि प्रायः डायरी अपने निजी विचारों, भावों तथा घटनाओं व स्थितियों को उसी जीवंतता व वास्तविकता के साथ दर्ज करने के लिए लिखी गई होती है जिसमें वह घटित हुए होते हैं, न कि पुस्तक प्रकाशन के उद्देश्य से। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके पश्चात देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आपको फैक्ट याद रखना है इससे रिलेटेड, जो है हिंदी साहित्य में डायरी विधा का प्रवर्तन श्रीराम शर्मा कृत सेवाग्राम की डायरी से माना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि डायरी जो है एक नवीनतम विधा है, तो श्रीराम शर्मा जो है एक मतलब इन्होंने सबसे पहले सेवाग्राम की डायरी के नाम से पहली डायरी जो है लिखी थी हिंदी साहित्य की। ठीक, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके पश्चात देखिए, अगला प्रश्न है, माफ़ कीजिएगा, अगला हमारा जो पॉइंट है इसमें देखिए, हम कुछ महत्वपूर्ण डायरियों को पढ़ेंगे और जो मैंने हाईलाइट किए हैं, इसका मतलब है कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, या तो आपको सभी रखनी है लेकिन इनको आप कंटस्ट, ये मतलब इम्पॉर्टेंट है, इनमें से पूछी जाने की ज़्यादा संभावनाएं बन जाती है। ठीक है, तो सबसे पहला है डायरी के पन्ने, घनश्याम दास बिड़ला ने ये लिखी है, ये घनश्याम दास बिड़ला की डायरी है। ठीक है, मेरी कॉलेज डायरी, तो ये धीरेन्द्र वर्मा की डायरी है, 1954 में लिखी थी। दैनंदिनी, ये सुंदरलाल त्रिपाठी की है। दैनिकी, शियाराम शरण गुप्त की डायरी है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा कि निम्नलिखित डायरियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए, या कौन सा विकल्प सही है कौन सा नहीं है, इस तरह से पूछा जाएंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखने हैं। अगले जो डायरी है, ज़्यादा अपनी कम पराई, 1959 में उपेंद्र नाथ अष्ट की इम्पोर्टेंट डायरी है। ठीक है, प्रवासी की डायरी 1971 में हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई थी, ये बहुत महत्वपूर्ण डायरी है। दिनकर की डायरी रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है। अब देखो, जिनके नाम में जिनका मतलब अपना नाम के साथ डायरी लेखन किया है, उनका तो हम सीधे से बात है कि एक अंदाज़ा हमें आ जाता है कि इसकी डायरी होगी। जैसे दिनकर की डायरी, तो दिनकर ने अपने नाम से ही डायरी लिखी है। अब जैसे प्रवासी की डायरी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये ट्रिकी हो जाता है, थोड़ा सा टफ हो जाता है हमें याद रखना। तो प्रवासी की डायरी से हमें पता नहीं लग रहा है कि हरिवंश राय बच्चन की है, लेकिन आपको इस तरह से ये ध्यान रखना है। ठीक है, दिल्ली मेरा परदेश, ये भी देखो अब 1976 में लिखी गई थी, रघुवीर सहाय की डायरी है। सैलानी की डायरी 1976 में, राजेंद्र अवस्थी की डायरी है, एक साहित्यिक की डायरी, इम्पोर्टेंट है, मुक्ति बोध के द्वारा ये लिखी गई थी। अंकित होने दो अजित कुमार की डायरी है। ठीक है,
इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, मोहन राकेश की डायरी, मोहन राकेश ने 1985 में प्रकाशित करवाई थी। स्मृतियों की जन्मपत्री, इम्पोर्टेंट है, रविंद्र कालिया की ये डायरी है 1979 में, ठीक है। जमनालाल बजाज की डायरी 1966 में जमनालाल बजाज ने लिखी थी। मेरी जेल डायरी 1975 से 1977 के बीच प्रकाशित हुई थी, जय प्रकाश की डायरी है, ठीक है। मेरी जेल डायरी ये दूसरी डायरी है जो कि दूसरे व्यक्ति के द्वारा, चंद्रशेखर के द्वारा 1977 में लिखी गई थी। अगली डायरी है देश देशांतर 1992 में, कमलेश्वर की डायरी है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। कमलेश्वर की डायरी किस नाम से है, देश देशांतर। मलयज की डायरी 3 खंडों में है, 2000 में मलयज ने लिखी थी, ठीक। इसके बाद देखिए आपातकाल की डायरी 3 खंडों में है, 2002 और 2005 मतलब 3 खंडों में प्रकाशित हुई थी। इन 2 सनों में विशन टंडन की है। साथ साथ मेरा साया 2004 में नरेंद्र मोहन की है। ख्वाब है दीवाने का 2005 में कृष्ण बलदेव वैद्य की ये डायरी है। तो देखो मैं आपको 2009 तक की डायरियों को बता रही हूँ, यानी कि वर्तमान में जो डायरियाँ, अब मतलब आधुनिक साहित्य जिसे हम कहेंगे, ठीक है, वर्तमान तो नहीं कहेंगे, आधुनिक साहित्य के भी, क्योंकि अब आधुनिक साहित्यकारों से भी प्रश्न बनेंगे, तो इसलिए आपको कम से कम 2009-10 तक के जो 9-10 तो वो रखने हैं याद, जो कि जैसे डायरी हो गया, आत्मकथा हो गया, ये सारी चीज़ें। लेकिन अब आपको जो लेटेस्ट याद रखना है वो पुरस्कारों से संबंधित रखना है। जैसे हर साल साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलते हैं, तो जो भी पुरस्कार हर साल दिए जाते हैं हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, उन पुरस्कारों को तो आपको जो लास्ट ईयर है उस तक याद रखना है, ठीक है। वो रचनाएं और वो रचनाकार कौन सी विधा है वो, अब आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि जो लास्ट ईयर यानी कि 2023 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था, और साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला था, और किस रचना के लिए मिला था, ठीक है। हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला था, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, क्योंकि लेटेस्ट रचनाएं पुरस्कारों से संबंधित जो लेटेस्ट रचनाएं होती हैं ना पिछले 10 सालों की, वो आपको कन्फर्म याद होनी चाहिए। आगे है ख्वाब है दीवाने का कृष्ण बलदेव वैद्य की है। मनबोध मास्टर की डायरी 2006 में डॉक्टर विवेक की राय की है। आते जाते दिन 2008 में रामदास मिश्र की है। अकेला मेला 2009 रमेश चंद्र शाह की डायरी है। तो दोस्तों डायरी साहित्य में इतना ही हमारे पास है, और जो मैंने यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट डायरियाँ बताई हैं इनको आप सबको याद रखेंगे उनके सन सहित, ठीक है। तो यही आपसे, क्योंकि महत्वपूर्ण डायरियाँ यही हैं, यही आपसे पूछे जाएंगी। तो दोस्तों डायरी साहित्य में जो भी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। उम्मीद है आप लोगों को भी ये टॉपिक इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, और अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। और आप लोगों के कमेंट मैंने पढ़े थे, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि मैम खंड काव्य, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य पर भी वीडियो बनाइए, तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं इसको जो आप कह रहे हैं उनको थोड़ा ठीक से ही पढ़ाया जाए। तो जिस दिन मुझे थोड़ा ज़्यादा समय मिलेगा मैं उस दिन आपसे आपकी जो जो आपका जो आपने पूछा है कमेंट में, मैं आपके कमेंट स्क्रीनशॉट लेकर के मैंने उनको लिख करके रखा हुआ है कि कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों ने पूछे हुए हैं। तो मैं एक सेशन सोच रही हूँ कि प्रश्न और उत्तर पर ही बनाऊँ, तो आप लोग प्रश्न करते रहें कमेंट सेक्शन में, मैं आपके सारे प्रश्न नोट करती रहूँगी, और एक दिन हम सेशन रखेंगे, प्रश्न सवाल आपके होंगे, जवाब मेरे होंगे। तो जो भी आपको प्रश्न आपके मन में उठ रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं आपके आंसर देने का पूरा प्रयास करूँगी। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। नमस्कार।